घर में कोई है क्या? जगन्नाथ, आपका ही नाम है? हाँ, मैं ही हूँ। क्या काम था आपको? आपका बेटा घर पे है क्या? हाँ है। उसे बुलाइए जरा। मधुकर, मधुकर। क्या है पिताजी? इधर आ। ये कौन है? ये मेरा दूसरा बेटा है, राहुल। मधुकर, तुम ही हो ना? जी, मैं ही हूँ। क्या हुआ सर, इन्होंने क्या किया है? तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐश्वर्या नाम की लड़की को प्यार के झांसे में फंसा कर धोखा दिया है उसे। Hey, वो जो भी कह रहे हैं सच है क्या? बोलो। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे? आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। जब तक तुम जिंदा हो तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इसने जो भी पाप किया है उसकी इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको जन्म देने की गलती का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसको यहाँ से घसीटते हुए ले जाइए। इसे ले चलो। इसे कल मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। क्या समझता है तू? लड़कियों को अपने हाथ का खिलौना समझता है? तेरी हड्डियों को तोड़ के सूरमा बना दूंगा। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। जान से मार दूंगा ब्लडी रास्कल। कितने लड़कियों को धोखा दिया है, कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। तुम लोग धरती पे बोझ हो, मर जाना ही ठीक रहेगा। सर, आप रहम कीजिए सर, उन्हें मत मारिए सर, मुझसे और देखा नहीं जा रहा, प्लीज सर। क्या कहा, इसे छोड़ दूं? जिंदा गाड़ दूंगा इसे। तूने जो पाप किया है शादी करके उसे धोना पड़ेगा। हाँ, करूंगा सर, करूंगा, शादी करूंगा, शादी करके इसे अच्छे से रखूंगा सर। लव खुद करते हो, परेशान हमें करते हो। ए, वहां से दो वरमाला और एक मंगलसूत्र लेके आओ। ठीक है सर, शादी करवा देता हूँ। इन सब के बाद पुलिस वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद वो ऊटे के कॉलेज में लेक्चरर है और वहीं पर सेटल हो गए। ऐसा है क्या? इन सब की वजह से मेरे पापा के मान सम्मान को बहुत तकलीफ पहुंची, इसीलिए उन्होंने खुद को दूर कर दिया। लेकिन कभी कभी भाभी उनके पास फोन करके हालचाल पूछती रहती है। भाभी की बीमारी सुनते ही पापा ऊटी जाने के लिए तैयार हो गए, इस बात का तो मुझे यकीन है। इन सब बातों को जाने दो, पुरानी बातों को भूलकर सब एक हो जाए तो अच्छा है। रम्या, तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कोई ऐसा दिन आएगा जब हम सब एक हो जाएंगे। रम्या, ये लो दूध पी लो बेटी। हमेशा हाथ में मोबाइल रहता है और चैटिंग करती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। जल्दी पियो। मेरे जाने के बाद फिर से हाथ में मोबाइल लेके चैटिंग मत करने लगना, थोड़ा आराम भी किया करो। ठीक है माँ, समझ गई ना। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हाय रम्या, खाना खाया क्या? शाम में कुछ स्नैक्स खाया था तो भूख नहीं लगी है, अभी हॉर्लिक्स पिया है। तुमने खा लिया ना? खाना तो खा लिया, बस सोने के लिए जा रहा था तभी तुम्हारी याद आ गई तो मैंने कॉल कर दिया तुम्हें। सरकार को बिना मुझे याद किए नींद नहीं आती ना?
कैसे आ सकती है? मेरी जिंदगी का तुम ही तो सुकून हो। मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शादी तक इंतजार तो करना ही होगा। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं पापा से बोलूंगा और हम शादी कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, वैसा ही करना। रम्या, मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, जहाँ हसीन वादियों में मैं और तुम हो। चलोगी ना? ठीक है, चलते हैं, लेकिन शाम तक घूम कर वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं सुबह 8 बजे आ जाऊँगा, तुम रेडी रहना, ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स रम्या। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्ते, आप कौन हैं? मेरा नाम सुंदरनाथ है। रात के 11 बजे कॉल कर रहे हैं, इस समय कोई कॉल करता है क्या? कॉमन सेंस नहीं है? मैडम, मेरे सेंस को छोड़िए, आपके सेंस को क्या हो गया है? व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस, क्या बोल रहे हो तुम? सुनिए मैडम, कल रात आपने 1 बजे एक आदमी को पीट पीट कर जान से मार दिया। बेचारा, उसने आपका क्या बिगाड़ा था बोलिए? तुम उसे जानते हो क्या? नहीं मालूम। तो फिर तुमने उसे कैसे देखा? मैं अपना वॉचमैन का काम खत्म करके रोजाना उसी रास्ते से गुजरता हूँ। आपने जो भी किया उसे अपनी आंखों से देखा है? प्लीज ये बात किसी को मत बताना, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। किसी से ना कहूँ कैसे हो सकता है मैडम? तो फिर? अगर नहीं बतानी है तो मुझे उसकी कीमत चाहिए 20 लाख। ठीक है, दूंगी, अभी आती हूँ, बताओ कहाँ आना है? बड़ा सा पेड़ है ना, उससे कुछ ही दूरी पर। मैं आपका इंतजार करूँगा। लेकिन एक बार 20 लाख रुपए लेने के बाद दोबारा मुझे कभी कॉल नहीं करोगे? मैं जुबान का पक्का हूँ, मैं दोबारा कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। ठीक है, आती हूँ।
क्या रम्या, क्या बात है, आज इतनी जल्दी रेडी हो? राहुल आज मुझे घुमाने लेकर जाने वाला है, वो 8 बजे तक आएगा, इसीलिए। ऐसी बात है, शाम तक वापस आ जाओगी ना? हाँ आ जाएगा, शायद थोड़ी देर हो सकती है। रम्या हाँ रेडी हो ना? हाँ रेडी, तो अब चलें। राहुल संभाल के जाना और शाम तक वापस आ जाना। ठीक है आंटी, बाय आंटी। बेटा बाय 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 माँ बाय, आराम से जाना बेटा। बाय बाय बाय, एंजॉय करना। राहुल राहुल वो देखो कितना प्यारा नजारा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी खूबसूरत जगह है। यहाँ थोड़ी देर रुके क्या? ओके नो प्रॉब्लम। रोको ना। रोकता हूँ ना। रात हम लोग यहीं रुके क्या, कल सुबह यहाँ से चले चलेंगे। राहुल तुम्हारी शैतानियाँ कुछ ज्यादा ही हो रही है आजकल, ख्याली पुलाव मत पकाओ तुम, ये सब सिर्फ शादी के बाद। हाँ तुम भी ना, मैं तो सिर्फ रात रुकने के लिए बोल रहा हूँ और तुम न जाने क्या क्या बोल रही। राहुल मायूस क्यों हो रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही हूँ ना। हाँ वो तो मुझे पता ही है। रम्या इस सुंदर सी जगह में सिर्फ मैं और तुम है और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मुझसे क्या गले लगा कर, क्या गले लगा कर किस करना चाहता हूँ। क्या हो गया? मुझे लगा डायरेक्टर ने कट बोला। तुम्हारी हरकतों से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। रुके। सर स्क्रू ड्राइवर मिलेगा? स्क्रू ड्राइवर? हाँ सर। हाँ ठीक है, 2 मिनट में देता हूँ। लो इसे जल्दी से रेडी करो। हाँ दो इधर। रम्या ये तो शूटिंग की गाड़ी लग रही है ना? हाँ सही कहा राहुल, उनसे आते ही पूछ लेना कि किस मूवी की शूटिंग चल रही है। या, ओके अब गाड़ी को स्टार्ट करके तो देखो ना। 1 मिनट रुको, वही तो कर रहा हूँ। स्टार्ट तो हो गई है। चलो कैसे भी इस प्रॉब्लम से निकले। अब यहाँ से चलो, सभी इंतजार कर रहे होंगे। सर थैंक यू सर। इट्स ओके। कौन सी मूवी का शूट चल रहा है? रक्षक मूवी सर। हीरो कौन है? हीरो तो समराम है सर, बहुत ही बिजी हीरो है सर। अच्छा। पहले विलन का काम किया करते थे, अब वही इस फिल्म के हीरो हैं। कहाँ है? यही पास में है सर, वही जो बड़ा वाला बंगला है ना। अच्छा बंगले में। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय। रम्या कोई रक्षक नाम की मूवी है यार, और उसका हीरो शायद संभ्रम करके है, तुम जानती हो क्या? पता है। रम्या तुम्हें अभी भी शूटिंग का क्रेज है क्या? ऐसा कुछ नहीं है राहुल। राहुल अगर यहाँ कोई गेस्ट हाउस हो तो आज स्टे करें क्या? हाँ सुबह मैंने कहा तो तुम मना कर रही थी। यहाँ का नेचर देखकर रुकने का मन हो रहा है, लेकिन चांस मत मारना। हाँ ठीक है बाबा, जैसा कहोगी वैसा होगा। चले
अच्छा है ना? It's awesome. नमस्ते सर. नमस्कार. डबल रूम मिल सकता है क्या? मिलेगा ना. ये कौन है? ये मेरी वाइफ है सर. कहाँ से आए हैं आप लोग? बैंगलोर से सर. अपना एड्रेस लिखकर यहाँ साइन कर दीजिए. ओके सर. अमाउंट कितना है? 1000 रुपया. मनु आया सर. जी इनको रूम नंबर 104 में लेकर जाओ. ओके सर. चलिए सर. थैंक यू सर. ओके सर. आपको कुछ चाहिए सर? 2 कॉफी और 1 वाटर बॉटल लेके आओ. ओके सर. आप रम्या हीरोइन जैसी दिखती हैं मैडम. सब ऐसा ही कहते हैं. ओके मैडम, कॉफी लेकर आता हूँ. सब लोग यही कहते हैं. अरे अगर मैंने बता दिया कि मैं ही वो एक्ट्रेस हूँ तो यहाँ से जाने तक दिमाग खराब कर देंगे. यार कार ड्राइव करके पूरी तरह से टायर्ड हो गया हूँ यार. बहुत देर तक ड्राइविंग की ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है. मैडम कॉफी लीजिए. ये लीजिए सर. थैंक यू. रम्या. क्या हुआ राहुल? न जाने क्यों मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है. क्या हो रहा है तुम्हें राहुल? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम्हें राहुल? पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है यार. रम्या पेट भी बहुत दर्द हो रहा है. राहुल तुम थोड़ा रेस्ट कर लो. मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर डॉक्टर को बुलाऊंगी. ठीक है? ओके ओके रम्या. अरे हेलो. हाय संभरम, कैसे हो? हेलो, आप कौन है? मेरी वॉइस को भी भूल गए. मैं रम्या बोल रही हूँ. क्या रम्या? हाय रम्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन. व्हाट अ सरप्राइज, कितने सालों के बाद फोन कर रही हो. सुना है कि तुमने एंगेजमेंट कर ली है. सही सुना है, और इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी मुझे. तुम्हारे वो कैसे है? अब वो सिर्फ एक वेस्ट बॉडी है. ये क्या बोल रही हो रम्या, तुमने उसे फिर पसंद क्यों किया? मैंने उसे कभी भी नहीं चाहा, मेरी माँ ने जबरदस्ती एंगेजमेंट करा दी. छे, तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ रम्या, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये सुन के. सांभरम, क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? ख्वाहिश? कह के तो देखो रम्या. मैं अपने वुडबी के साथ चिकमंगलोर आई हूँ. अच्छा, तो तुम यहीं पर हो? हाँ सही सुना, और तुम्हारी शूटिंग यहीं चल रही है ये मैं जानती हूँ, और इसीलिए हम दोनों यहीं पर पास में देवगिरी गेस्ट हाउस में रुके हैं. अच्छा, वेरी गुड. सांभरम, तुम्हारे लिए मैंने अपने वुडबी को आज यहाँ रुककर कल निकलने के लिए मना लिया, सिर्फ तुम्हारे लिए. रम्या. समरम, उस रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता. रम्या, मुझे उस रात को एक बार फिर से जीने की इच्छा हो रही है. डोंट वरी रम्या, तुम्हारे वुडबी से छुपकर मेरे रूम में चली आना. लेकिन मुझे वहाँ किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो फिर क्या करें? मैंने वुडबी को मना कर देवगिरी गेस्ट हाउस में रुकी हूँ, तुम यहीं पर आ जाओ ना. ठीक है रम्या, मैं वहीं आता हूँ, तुम मेरा वेट करो, मैं जल्दी आता हूँ. ठीक है, तुम्हारे लिए मैं यहीं वेट करूँगी. ओके रम्या. हाय रम्या. हाय संभ्रम. रम्या
पाँच साल पहले जैसी दिखती थी आज भी वैसे ही हो। Really? या तुम्हारा स्ट्रक्चर भी वैसे ही है। समरम यहाँ पर कोई देख लेगा, उस चट्टान के पीछे सही रहेगा। क्यों? वहाँ जो चाहे करो, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके कम। समरम अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो अभी बता दो। अंतिम इच्छा? वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी जान चाहिए।